गुमला पुलिस ने बीते शुक्रवार को गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था। साथ ही पुलिस ने दीपक साहू नामक शख्स को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शख्स की निशानदेही पर पुलिस ने अन्य चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इसके पहले भी पुलिस ने कोचागानी जंगल से कुछ दिन पहले आईडी बम बरामद किया था। इधर इन नक्सली घटनाओं को देखते हुए पुलिस नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। सरायकेला में पहली बार वर्षों से मरीजों को आयुष्मान भारत योजना की लाभ नहीं देने पर सिविल सर्जन ने आदित्यपुर स्थित निजी मेडिट्रीना अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। दरअसल मरीज के परिजनों ने आयुष्मान भारत योजना के एवज में अस्पताल पर अवैध राशि की वसूली का आरोप लगाया था, जिसकी जाँच होने पर आरोप को सही पाया गया, जिसके बाद जिला सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर जुर्माना लगा दिया। साथ ही नए मरीजों के एडमिट करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं पहले से इलाजरत मरीजों को एक हफ्ते के अंदर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। देश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके बाद भी लोग जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाजार से लेकर अस्पताल तक लापरवाही बरती जा रही है। राजधानी पटना में कई जिलों में कोरोना संक्रमण तेज गति से पैर पसार रहा है, जो कि जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमा लोगों को शारीरिक दूरी के साथ मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दे रहा है। इसके बाद भी बाजारों में भी लापरवाही बरती जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी पटना के बाजारों का जायजा लिया हमारे संवाददाता बिरजू ने। एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वही अगर बिहार की बात की जाए, इस वक्त हम राजधानी पटना में है, बिहार की राजधानी पटना में। यहाँ पे जिस तरीके से लापरवाही लोगों में दिख रही है, तस्वीर जरा दिखाइएगा। अमित से हम आग्रह करेंगे कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी पटना मीठापुर सब्जी मंडी की है। यहाँ लोग ना मास्क पहने हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम जो COVID-19 के गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन होते हुए दिख रहा है। पुलिस प्रशासन भी आपको कहीं नजर नहीं आएगा। कहीं बहुत सारे VIP एरिया में हमने देखा कि बहुत सारे चेक पोस्ट पे जहाँ धावा बल द्वारा लोगों को जबरन मास्क पहनाया जा रहा है, 50 रुपया वसूला जा रहा है। लेकिन वही ये भी पटना की तस्वीर है, राजधानी पटना की, जहाँ पे लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना से उनको डर नहीं है। लेकिन जरा हम बता दें आपको कि राजधानी पटना में विगत 48 घंटों में 300 से ऊपर एक्टिव केस मिले हैं। ये तस्वीर हम आपको पटना के दिखा रहे हैं। इतने एक्टिव केस मिलने के बावजूद जो है ये स्थिति बिहार और बिहार के अलग अलग जिलों में और राजधानी पटना में है। जो लोग होली के समय जो लोग बाहर से प्रदेश से जो अपने घर वापसी जिनकी हुई है, उनमें बड़ी तादाद जो है कोरोना पॉजिटिव लोगों की है। और वो अपने घर तो आ गए, लेकिन कोविड उनको यहाँ ले आया और उनसे संक्रमण लोगों की बढ़ती गई है। लेकिन लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। दुख की बात यही है कि जो राजधानी पटना इस सड़कों की जो तस्वीर हम अलग अलग एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आज मीठापुर सब्जी मंडी की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग ना मास्क पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सब्जियाँ बिक रही है, लोग ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं बिरजू कुमार सिंह, पटना। और मुंगेर में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी का कोरोना वैक्सीन लेने के बाद निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद तबीयत खराब हुई। मौलाना वली रहमानी 78 साल के थे। मौलाना वली रहमानी के निधन की जानकारी देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्विटर पर शोक संदेश लिखा है। तो वहीं बेगूसराय के पूर्व सांसद डॉक्टर मुनाजिर हसन ने अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि यह बिहार के साथ साथ पूरे भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। का देहांत हो गया, मुंगेर के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए बहुत दुख की बात है। और एक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में गैप पैदा हो गया, जिसको नालंदा जिले में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ने पर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है, जिसके तहत बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना की जांच की जा रही है। दरअसल नालंदा में हाल के दिनों में कोरोना के 34 से अधिक मामले पाए जा चुके हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही लोगों को हिदायत दी जा रही है कि लोग घरों से निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं।